आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वाद करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों का फ्री में होगा इलाज, मोदी सरकार ने दी है मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने जो है बुधवार को 70 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के सभी लोगों को शामिल किया जाएगा, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो यानी कैसी भी या फिर उनकी आर्थिक स्थिति हो। दरअसल मोदी कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ABPMGY उसके तहत 70 वर्ष या फिर से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी है। बुजुर्गों को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। वह अगर पहले कोई परिवार आयुष्मान योजना में शामिल है या फिर उसमें कोई 70 साल से ज्यादा उम्र का सदस्य है तो 5 लाख का अतिरिक्त कवरेज मिलेगा। वह केंद्रीय कैबिनेट ने 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का कवर देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कदम से 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है लाभ मिलेगा, ऐसे परिवारों को लाभ मिलने की बात कही है। इससे करीब कवरेज का उद्देश्य 4.5 करोड़ परिवारों को 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को जो है यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कराना है। सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का एक नया अलग कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, भूतपूर्व सैनिक अंशदाय स्वास्थ्य योजना और इसके अलावा आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। तो अपनी मौजूदा योजना जो है वो चुन सकते हैं, वही ABPMGY का विकल्प भी वो जो है वो चुन सकते हैं। अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर देश के अंदर 4 नए प्लेटफॉर्म हुए लॉन्च, 5000 साइबर कमांडो भी होंगे तैनात। साइबर अपराध को रोकने के लिए मोदी सरकार ने की है बड़ी तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जो है दिल्ली में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पहले स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म जो है साइबर एक्टिव रजिस्टर, साइबर कमांडो, साइबर फ्रॉड मेडिटेशन सेंटर और समन्वय प्लेटफॉर्म की शुरुआत यहाँ पर की। अपने संबंध में अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति के लिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा जो है वो नहीं है और सभी हितधारकों से समस्या से निपटने में सहयोग करने का आग्रह जो है वो किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार साइबर अपराध से निपटने के लिए अगले 5 वर्षों में 5000 साइबर कमांडो को ट्रेनिंग देगी। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के बिना इस समय जो है देश का विकास असंभव है। वही प्रौद्योगिक मानवता के लिए वरदान है और प्रौद्योगिकी जो है उसका उपयोग अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काफी हद तक किया जा रहा है, लेकिन साथ ही हम जो है प्रौद्योगिकी के कारण बड़े खतरे को भी यहाँ पर देख रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। हम साइबर सुरक्षा के बिना जो है अपने देश को सुरक्षित यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर बात ये अमित शाह ने की है। बाद में कहते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। देखिए बड़ी खबर, 20 किलोमीटर की दूरी तक अब नहीं लगेगा कोई भी, 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अब नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स, सेटलाइट सिस्टम से अब होगी वसूली। केंद्र सरकार की ओर से जो है टोल वसूली को लेकर एक नया सिस्टम जो है वो लाया जा रहा है, यानी एक नया सिस्टम देश के अंदर लाया जा रहा है। वह ये सिस्टम लोगों को बड़ी राहत देने वाला है। दरअसल इस सिस्टम से जो है 20 किलोमीटर तक कोई भी टोल लेने की आपको जरूरत नहीं होगी, वरना मतलब यहाँ पर पहले जो है हर टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली होती थी, इसके अलावा हर जगह टोल प्लाजा पर रुकने की झंझट भी जो है खत्म हो जाएगी, सैटेलाइट के जरिए टोल वसूल यहाँ पर होगी। जैसे सरकार ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया, इस नोटिफिकेशन के तहत ग्लोबली नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को मजदूर यहाँ पर मतलब सैटेलाइट सिस्टम की शुरुआत करने की बात कही गई है। इसके लिए सरकार 4 हाईवे का ट्रायल कर रहा है, यानी सरकार 4 हाईवे का ट्रायल जो है वो कर लिया है। ट्रायल के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है कि अभी से यहाँ पर इसे हाईवे और अन्य जगहों पर लाया जाएगा। बस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ये नियम जारी किए गए हैं। सरकार का ये नया नियम जो है GPS पर आधारित होगा। GPS के सारे सैटेलाइट से टोल वसूली की जाएगी, जैसे ही 20 किलोमीटर की दूरी पूरी होगी ऑटोमेटिक टोल जो है वो कट जाएगा। वही नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ियों पर पहले GPS इंस्टॉल किया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर GNSS OBU वाली गाड़ियों के लिए एक स्पेशल लेन तैयार की जाएगी और अगर अन्य वाहन इस लेन में आते हैं तो उसे दुगना टोल यहाँ पर वसूला जाएगा। वही जिन गाड़ियों पर नेशनल परमिट नहीं है उन्हें 1 दिन में दोनों तरफ 20 किलोमीटर यात्रा की छूट जो है वो दी जाएगी।
पर मौजूदा नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक टोल से दूसरे टोल तक यात्रा करता है तो पूरी कीमत जो उसे देनी होती है। वह नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे या फिर टनल या फिर ब्रिज से यात्रा करता है तो 20 किलोमीटर तक यात्रा फ्री रहेगी, मतलब टोल नहीं देना होगा। लेकिन अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तय वो करता है, जितना भी सफर तय किया है तो उस हिसाब से टोल वसूला जाएगा, यानी पूरी दूरी पर टोल जो है वो दिया जाएगा। भाई ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम से जो टोल वसूली है उसके लिए हाईवे और एक्सप्रेस वे एक अलग से लाइन बनाने की तैयारी भी है। नोटिफिकेशन में ये भी कहा कि अगर बिना GPS वाली गाड़ियों से इस लाइन में अगर आती है ऐसी गाड़ियाँ तो उसे दोगुना टोल टैक्स जो है वसूला जाएगा। भाई सेटेलाइट सिस्टम पहले GPS से आपकी गाड़ी की दूरी पता करेगा, फिर आपके नंबर प्लेट या फिर फास्टैग या फिर अन्य चीज़ों को जो है रिकॉग्नाइजेशन करके जो है वो टोल काटेगा। बाद हम कहते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में छात्राओं का और छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म, सरकार इन स्कूली बच्चों को फ्री में देगी टैबलेट, 3 साल तक का मिलेगा इंटरनेट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान में टैबलेट मिलने का आदेश के बाद अब सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को जो है 3 साल तक इंटरनेट की सुविधा भी फ्री मिलेगी। वह स्कूलों में टैबलेट के साथ साथ इन होनहार विद्यार्थियों को मुफ्त में सिम भी वितरित की जाएगी। ऐसे में ये मेधावी छात्र 3 साल तक अपने टैबलेट में इंटरनेट सेवा का फ्री में उपयोग जो है वो कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार कुछ जरूरी सिम वाली कंपनियों की तरफ से जो है इंटरनेट कनेक्शन के बदले प्रति छात्र जो है 8,949 रुपये की राशि का भुगतान करेगी। इस व्यवस्था के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 22-23 के सरकारी विद्यालयों के मेधावी छात्रों को जो है ये टैबलेट जो है वो दिया जाएगा। वही योजना के तहत राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में जो है कक्षा 8, 9 और 10वीं की परीक्षा में 75% या फिर उससे ज़्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को पात्र माना जाएगा। इनके आधार पर स्कूलों में होनहार बच्चों को यहाँ पर उनकी सूची बनाई जाएगी। उनमें निर्धारित स्थान पर आने वाले उच्चतम अंक वाले विद्यार्थियों को जो है मुफ्त में टैबलेट, परिसीम और 3 साल तक का इंटरनेट दिया जाएगा। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जो है संचालित इस योजना के तहत स्कूलों के उच्चतम अंक वाले पात्र विद्यार्थियों को 3 साल की वैलिडिटी वाले इंटरनेट की सुविधा के साथ साथ मुफ्त में टैबलेट दिए जाएंगे। इसको लेकर राजस्थान के अंदर जो है स्कूल वार जो है वो सूची तैयार की जा रही है। सरकार के आदेश अनुसार शीघ्र उपलब्ध होने के बाद विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित जो है वो राजस्थान के अंदर किया जाएगा। वीडियो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाते रहिए राजस्थान की खबरें पाने के लिए।